दो चित्र देख रहे हैं, एक चित्र इधर एक चित्र इधर। ये जो चित्र है ये माचिस के इस साइड का है और ये चित्र ये तितली है। अब इसको कैसे जलता है इसके बारे में समझते हैं। आप कहोगे इसी को उठाओ, इस पर स्लिप कर दो जल जाएगा। ये देखिए जला के दिखा रहे हैं। हाँ जलता तो ऐसे ही है, लेकिन आज पूरे इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि ये जो लेप लगा है किसका है, इसके ऊपर जो ऐसे ऐसे बना हुआ है वो सब क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए इसके ऊपर जो जो तीली होती है, इसके ऊपर जो लेप होता है वो पोटेशियम क्लोरेट, किसका? पोटेशियम क्लोरेट। ये एज ए ऑक्सीडाइजर, कैसे? ऑक्सीडाइजर यूज किया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर रहता है एंटीमनी, एंटीमनी ट्राईफास्फेट। आप पूरा ले सकते हैं एंटीमनी ट्राईफास्फेट। ये एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। इसके साथ में ऑप्शनल है, इस बात को याद रखिएगा, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर वाइट फास्फोरस का यूज़ किया जाता है, ऑप्शनल है। एक्चुअली इसका यूज अब नहीं होता है ऐसे समझिए, क्योंकि ये जो होता है वाइट फास्फोरस, ये बहुत जल्द हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, इसलिए इसका यूज बहुत कम होता है अब। और इसको इन सबको मिलाने के लिए यहाँ पर ग्लू का यूज़ किया जाता है। अब इन लोग का चूरा बना लेंगे तो एक पेस्ट की जरूरत होगी, जो इनको बना के रखें बाइंडिंग के रूप में रखें वो ग्लू होता है। ये तो बात हो गई माचिस की तीली पे जो लगा रहता है उसकी। अगर हम लोग इसकी बात करें, जो माचिस के बॉक्स पे लगा रहता है उसकी बात करें, तो यहाँ पर दो चीज़ होती है। एक होता है पाउडर्ड ग्लास, क्या? पाउडर्ड ग्लास। और होता है रेड फास्फोरस, क्या? रेड फास्फोरस। देखिए पाउडर ग्लास क्या करता है, फ्रिक्शन उत्पन्न करने में मदद करता है। फ्रिक्शन कैसे उत्पन्न करता है? आप देखिए मैं अपने हाथ को ऐसे रफ करूँगा तो ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, लेकिन अगर यहीं पर बालू अगर कैसे रगड़ दूंगा ना, हो सकता है हाथ हवा कट जाए, बड़ी तेज़ी से गर्म आएगा। तो इसीलिए पाउडर्ड ग्लास का यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पर फ्रिक्शन उत्पन्न हो सकते। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इसीलिए ये किया जाता है। और यहाँ पर रेड फास्फोरस किया जा, रेड फास्फोरस का भी लेप लगाया जाता है। इन दोनों का लेप इस पे लगाया जाता है माचिस के बॉक्स पे। अब देखिए इस सब तो लेप के बारे में हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उठाते हैं इस पे। ये पाउडर ग्लास्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन की वजह से हीट उत्पन्न हो जाता है। जब हीट उत्पन्न हुआ तो ये जो रेड फास्फोरस है ये बदल जाता है वाइट फास्फोरस में, किसमें? वाइट फास्फोरस में। और ये वाइट फास्फोरस क्रिया कर लेता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, किसके? पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा और फायर कर देगा, बर्न कर देगा अपने आप को। जब बर्न कर देगा तो फाइनली इसका जो फ्यूल होता है एंटीमनी ट्राईफास्फेट, क्या? एंटीमनी ट्राईफास्फेट, वो बर्न हो जाता है। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे समझिए, गाँव देहात में पहले चूल्हा जलाया जाता था, उस चूल्हे में जो उपला है उसको जलाने के लिए कागज़ का सहायता ले जाता है। तो सेम जो वाइट फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट है, इन दोनों के जो बर्निंग पॉइंट है वो जल्दी आ जाता है अपेक्षा इसके एंटीमनी ट्राईफास्फेट का। जैसे चूल्हा जलाने में कागज का यूज किया जाता था, कागज का बर्निंग पॉइंट जल्दी है, उपले का देर से आता है, वैसे सेम काम वाइट फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट का काम है यहाँ पर। और ये फाइनली फ्यूल